नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में आम जनता का क्या कहना है, आपको सीधी बातचीत करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार। सर, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हैं? 2007 से। सर, क्वालिफिकेशन क्या है आपके? ग्रेजुएशन। सर, कैसा माहौल लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा का? बहुत अच्छा माहौल लगता है। सर, जो 3-4 साल पहले खबरें दिखाई जा रही थी डेरा सच्चा सौदा के बारे में, उन खबरों के बारे में आपका क्या कहना है सर? वो बिल्कुल झूठ खबरें हैं, बिल्कुल आज सभी मानते हैं इस बात को, वो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सर, ऐसा क्यों, मतलब इस तरीके से क्यों दिखाया गया फिर डेरा सच्चा सौदा? इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये सच्चे की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, सच्चाई को हमेशा दबाया जाता है, बुराई को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर, गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं? गुरुजी के लिए इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि वो सच्चे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। क्या काम किए सर उन्होंने समाज के? अच्छे काम, जैसे नशा छुड़वाना, सफाई अभियान चलाते हैं, प्योर सब्जी बेचते हैं वो, ठीक है, और अनेकों काम अच्छे किए, जैसे स्कूल में हैं, बच्चों को किताबें बांटते हैं, वर्दी बांटते हैं। वैसे सर, लड़कियों को आगे लेके जाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई योगदान है सर उनका? बहुत योगदान है, उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल तक, मतलब गर्ल आगे खेल चुकी हैं। उनके इंटरनेशनल स्कूल में जो लड़की पढ़ के आती है वो हमेशा नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँच जाती है। सर, 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? प्रभाव, जैसे अभी किसानों का भी रोड़ा चढ़ रहा है, इसी का कारण है राजनीति आगे बढ़ रही है और सच्चाई हमेशा पीछे जा रही है। सच्चाई पीछे जाने से ही ये बुराई काम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। जरूरत है सर संत जी की? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जरूरत है इस टाइम। समाज के लोगों को क्या बताओगे सर, क्योंकि उन्होंने जो भी देखा लगातार जो मीडिया में दिखाया जा रहा था उसी के द्वारा देखा है? समाज को अभी तो यही जरूरत है कि उनको समझना चाहिए कि हाँ, ये काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई संस्था अच्छा काम कर रही है इतना तो बताओ। जो सबसे अच्छे काम 114 हैं, जो 140 काम अच्छे हो रहे हैं इस संस्था के द्वारा हो जा रहे हैं। क्या मांग करोगे सर सरकार से? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमारे गुरुजी को रिहा किया जाए और जो अच्छे काम है उनको देख के उनको आगे बढ़ने दिया जाए। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप पढ़े लिखे हो, आप क्यों, किस सोच से आज भी डेरा सच्चा सौदा के साथ? डेरा सच्चा सौदा आने से एक तो ये संगत में आके हमें प्रेम भाव मिलता है, सच्चाई का पता चलता है, अच्छे कर्म का पता चलता है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे आगे बढ़ रही है वो दिखता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ की, यहाँ सेवा करने से बीमारी नहीं लगती किसी आदमी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ है हमारे देश की, समाज की, वो लगातार आपके सामने आकर बता रही है और मांग कर रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह चिंसा के समाज में वापस आने की। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई। धन्यवाद।